वेलकम टू दिल से फूडी रे, आई एम राजी। आज मैं आपके लिए एक नवरात्रि स्पेशल डिश लाई हूँ जिसका नाम है फराली खट्टा ढोकला, जिसके साथ मैंने एक फराली सेंगदाना दही चटनी भी बनाई है। फराली खट्टे ढोकले को आप नवरात्रि के फास्ट के टाइम आराम से खा सकते हैं, और इसके साथ जो स्पाइसी और जो टेस्टी चटनी मैंने सर्व की है वो सेंगदाना की चटनी है, जिसमें दही यूज किया है, ग्रीन चिलीज यूज किया है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है, इसमें कोई फर्मेंटेशन का टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हम इसको फर्मेंट करने के लिए इनो फ्रूट सॉल्ट यूज कर रहे हैं। अगर आपके घर में इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी फराली खट्टे ढोकले की रेसिपी। Thank you.
हाय फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप पहले से ही स्टीमर में वाटर बॉयल करके रेडी रखें और स्टीमर के प्लेट को ग्रीस करके रेडी रखें, ताकि जैसे ही आप इनो बैटर में ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे, इमिडिएटली आप उसको ट्रांसफर कर देंगे स्टीमर प्लेट में और उसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। हमें ये काम थोड़ा फास्ट करना होगा, क्योंकि इनो ऐड करने के बाद बैटर में जो फ्रॉदीनेस आता है, जो गैस प्रोड्यूस होता है, अगर हम लेट करेंगे तो ये सबसाइड हो जाएगा और हमारे ढोकले सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनेंगे। सिंगदाना चटनी बनाते टाइम आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्वीट चटनी चाहिए तो आप शुगर ऐड कीजिए, वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सिंगदाना चटनी बनाते टाइम मैंने धनिया पत्ता भी ऐड किया है, क्योंकि इससे बहुत ही एक सुंदर सा ग्रीनिश कलर आता है चटनी में। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं विदाउट एनी धनिया लीव्स। तो आप लोग इस नवरात्रि में ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टू मेक फराली खट्टा ढोकला एंड फराली पीनट चटनी बना के देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे बने। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक भेजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आगे मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आऊँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक खाओ पियो दिल से एंड कीप वॉचिंग दिल से फूडी रे।